आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमें यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। आय में कमी, दूसरा दिया है जमीन में कमी, तीसरा दिया है खनिज पदार्थों में कमी और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, पहले हम थोड़ा से जानते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। ठीक है, हमें यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं। आय में कमी, ठीक है, जमीन में कमी, खनिज पदार्थ में कमी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब जो है वो है उपरोक्त सभी। क्यों? जनसंख्या वृद्धि का एक दुष्परिणाम होता है आय में कमी। आय में कमी रोजगार के अभाव के कारण होगी, रोजगार के अभाव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है जमीन में कमी, रहने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो हमारे पास संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, वह संसाधनों का सीमित। ठीक है, जमीन जो है वो भी एक हमारे लिए साधन है, ये भी सीमित है हमारे पास। यदि जनसंख्या ज्यादा होगी तो जमीन का अभाव हो जाएगा। दूसरा, खनिज पदार्थ में कमी। खनिज पदार्थ भी सीमित संसाधनों के अंतर्गत आते हैं और जनसंख्या वृद्धि के कारण इसमें भी कमी आएगी। तो इसका जो दुष्परिणाम है ये ऊपर उपरोक्त सभी है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।